एकमात्र ऐसा मेडिकल कोर्स जिसमें आप बिना नीट दिए डॉक्टर बन सकते हैं, बिना नीट दिए आप एक पूर्ण रूपेण चिकित्सक बन सकते हैं, पेशेंट देख सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, दवाई देने वाला डॉक्टर बन सकते हैं, वो है BEMS, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। पहले मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूं कि मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं भी एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ का स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं आप लोग को इसके बारे में बता रहा हूं। तो बात करें दोस्तों इलेक्ट्रो होम्योपैथ आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इसका डिमांड होने वाला है, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले लोग इसको उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, बट अब देख रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे बहुत सारा कॉल्स मुझे आता है डेली इलेक्ट्रो होम्योपैथ में एडमिशन के लिए। लेकिन मेरा तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और मैं किन्हीं को किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अपने से अपने हिसाब से देख लें, जो आपको अच्छा लगे आप अपने स्तर पर। इस कोर्स को करने में एक से डेढ़ लाख रुपया में इस कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है, और आप लोग इसको जहां से भी करेंगे आप इतना ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि इस कोर्स को करना है, और इसके बारे में आपको जैसे BMS MBBS वाले पढ़ते हैं उस तरह से आपको पढ़ के करना है, डिस्टेंस कोर्स ना करें। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस कोर्स ना करें, इसके बारे में पढ़ें, जानें और प्रैक्टिकल करें, मेडिसिन डाइल्यूशन बनाना सीखें अच्छे तरीके से, फिर आपसे पेशेंट ठीक हो सकेगा। अन्यथा आप जो सोचेंगे कि हम डिस्टेंस कोर्स करके और पेशेंट हमसे ठीक होगा, तो आपको डाइल्यूशन के बारे में, पोटेंसी के बारे में पता ही नहीं होगा, पेशेंट आपसे ठीक कभी हो ही नहीं सकेगा, आप डिमोटिवेट होते चले जाएंगे। तो कृपया आप अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पैथी से हम पेशेंट को, बड़े बड़े रोगों को ठीक करें, तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट से करना होगा, जहाँ पे कि आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाए, डाइल्यूशन बनाना सिखाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए, फिर आप इस कोर्स को करें। तो फिर उसमें क्या होगा कि आप एक अच्छा डॉक्टर बन के सामने आओगे। और अगर आप डिस्टेंस से करते हो, आप कहीं किसी काउंसलर के थ्रू, किसी आदमी के थ्रू आप अगर एडमिशन ले करके और सिर्फ डिग्री ले लोगे, तो फिर वो डिग्री किसी काम का नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर आप किसी भी कोर्स को ना करें, इस तरह से आप करते हैं तो किसी भी कोर्स को ना करें। इस तरह से करने के बाद क्या होता है, आप पर्सनली उस पैथी को भी आप बदनाम करते हैं, पर्सनली आप उस पैथी को भी नीचा दिखाते हैं, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक बहुत ही अच्छा साइंस है, बहुत ही अच्छा ये पैथी है, सबसे अच्छा पैथी है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का एकमात्र यही सोर्स रहा है, बचा हुआ है। अब क्योंकि BMS आयुर्वेद वाले जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो तो अब 100% एलोपैथ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको पूर्ण रूपेण आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया जाता है और इससे ठीक किया जाता है, बड़े बड़े रोगों को, जटिल से जटिल कैंसर जैसे रोगों को इससे ठीक किया जाता है। तो ये बहुत ही कारगर पैथी है, और कृपया इसको डिस्टेंस से ना करें, प्रेजेंट रह करके पढ़ के अच्छे से, 4-4.5 साल का ये कोर्स होता है, आप अच्छे से पढ़ के इंटर्नशिप वगैरह भी करवाया जाता है, आप उसी तरह के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें जहाँ पर कि सारा व्यवस्था हो, फिर आप वहाँ से करें, बहुत ही कारगर पैथी है। तो इसको करने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बायो से होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए आपका, 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा करके आप अपने आस पड़ोस में, आप गूगल पे आप फाइंड करके जा सकते हो, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो और इस कोर्स को अच्छे से कर सकते हो, और आप एक कुशल चिकित्सक बन सकते हो, आप जो है पेशेंट को देख सकते हो, दवाई दे सकते हो। और मिक्सोपैथी कृपया ना करें, मिक्सोपैथी करने के बाद आप एक कुशल चिकित्सा नहीं कहलाते हैं, मिक्सोपैथी करने के बाद आप झोला छाप के नाम से जाने जाएंगे, मिक्सोपैथी कृपया ना करें, क्योंकि मिक्सोपैथी करने के बाद एक तो आप कुशल चिकित्सा नहीं रहे, उसके बाद आपके हमेशा गर्दन पे आपका एक
छुरी जो है लटका हुआ रहेगा कि आपसे, आप जैसे मिक्सोपैथी करेंगे तो आपसे अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है पेशेंट को तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। इसलिए आप जिस पैथी से हैं आप कृपया उस पैथी में ही रह के प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत कारगर पैथी है, इससे पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो सकता है और बहुत ही बड़े बड़े बीमारी को इसमें ठीक किया जा चुका है, ठीक किया जा रहा है और बहुत सारे डॉक्टर अभी उभर के सामने आ रहे हैं। तो जो भी हैं, जो भी जिनका भी नीट कंप्लीट ना हो नहीं हो पाया है, आप तो कृपया निराश ना होकर के आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ के कोर्स को कर सकते हैं, आप एक कुशल चिकित्सक बन सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और मेरा डाइल्यूशन का जो है वीडियो, जैसे ये मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो मेडिसिन है, एस सीरीज का दो मेडिसिन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और इस तरह से सीरीज मेरा ये चलते रहेगा। अभी S1 और S2 का वीडियो मेरा आ चुका है और नेक्स्ट वीडियो S3 के ऊपर होगा और इस तरह से कंप्लीट करके मैं धीरे धीरे इसका जो जितनी भी मेडिसिन हैं उसके बारे में आप लोग को जानकारी देता रहूँगा। तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।